नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देश कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है, ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड 19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यह बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। वहीं शाम 6 बजे पीएम देश की टॉप फार्मा कंपनियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत करेंगे। तो शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि देश की टॉप फार्मा कंपनियों से बातचीत होगी। कोरोना संकट पर पीएम मोदी बातचीत करेंगे और देश में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर ये चर्चा की जाएगी। देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और इस पर चर्चा होगी कोरोना के संक्रमण को लेकर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। तो शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख डॉक्टरों से ये बातचीत होगी। इसके अलावा प्रमुख फार्मा कंपनियों से भी बातचीत होगी। तो पीएम मोदी इस संकट पर चर्चा करेंगे, देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री आज शाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी, थोड़ी ही देर में ये बातचीत होने वाली है। और हमारे सहयोगी अमर दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। अमर, ये बातचीत होने वाली है, आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है, इसी कड़ी में ये बातचीत सामने आ रही है कि डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है, क्या खबरें निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी से मुझे लगता है कि कुछ ही मिनट के बाद जो है ये बातचीत स्टार्ट होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बातचीत की बात कही जा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि देश के तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े हॉस्पिटलों में बड़े डॉक्टर हैं और अपने अपने क्षेत्र के वो एक्सपर्ट हैं, उन सबसे बातचीत की जाएगी कि आखिर ये कोरोना जो बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ते चयन को, इसके बढ़ते प्रकोप को जो है किस तरह से रोका जाए। क्यों किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज हो या फिर कोई डॉक्टर अपनी बात कहना चाहता हो तो वो अपनी बात प्रधानमंत्री से करे और प्रधानमंत्री के सामने वो अपनी तमाम वो समस्याएं सामने रखे ताकि प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार जो है इस पर चर्चा करके इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है जो वैक्सीन की कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो दवाइयां बनाती है कंपनियां, उनसे भी बात करने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि उनको इस डॉक्टरों से बात करने के बाद जब उनको हिदायत दी जाए और उनको सामने लाया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन तैयार करें और जो रेडमी वैक्सीन है उस पर जिस तरह से किल्लत हो गई है उसको लेकर के भी सरकार बात करेगी, क्योंकि राज्य सरकार, कई राज्य सरकार हैं जो केंद्र सरकार के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है और इस डॉक्टर से बातचीत के बाद पूरे देश की जो समस्या है वो सामने आ जाएगी। खास करके मैं बात कर रहा हूँ या जिक्र कर रहा हूँ वो कोरोना वायरस को लेकर के है कि इसको लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई है, चाहे रिलेशन हो या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल हो, ये तमाम चीज़ की जानकारी प्रधानमंत्री को मिलेगा और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर काम करेगी और उन्हें लगता है कि जो ऑक्सीजन जो सबसे अभी जरूरत है हॉस्पिटल या डॉक्टर या मरीजों के लिए वो ऑक्सीजन है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रेडमी जो वैक्सीन है उसको लेकर के दो चीज़ें अति आवश्यक है मरीज की जान बचाने के लिए या कोरोना से लड़ने के लिए। आपने देखा कि मुख्यमंत्री झारखंड ने केंद्र सरकार या प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने खत लिखा कि रेडमी वैक्सीन के लिए उन्हें इजाजत दी जाए कि ताकि वो बांग्लादेश से 50,000 डोज जो मंगवाएं। ये समझ सकते हैं कि ये समस्या किस तरह से विकराल खड़ी हो जा रही है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 6 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ऐसे में लड़ाई अगर लड़नी है कोरोना वायरस से और इससे परास्त करना है तो सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। और ये कल आज जो है 11:30 बजे भी प्रधानमंत्री बात किए थे अपने तमाम जो सेक्रेटरी हैं और तमाम जो उनके आला अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद आज 4:30 बजे बातचीत हो रही है। तो ये समझ सकते हैं कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी प्रकार से जो है इसके बढ़ते कदम को रोका जाए। कोरोना कंपनियों के से बातचीत होनी है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर लगातार प्रयास चल रहा है, इसकी कमी की बात कही जा रही है, क्या इस पर कुछ निर्देश दिया जा सकता है कंपनियों को? अः
देखिए जो जरूरत है हमारे पास, जिस फ्लो में कोरोना के मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में, उस फ्लो की अगर बात करें तो उस फ्लो के अनुसार हमारे पास रेडी वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ये सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर और तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दी है। अब सवाल उठता है कि फार्माकेमसी जो कंपनी ये रेडमी वैक्सीन बनाती है उनको, या फिर जो ऑक्सीजन अवेलेबल करवाते हैं सरकार की ओर से उनकी बात कही जाए तो वो उनको चाहिए कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द इसका उत्पादन किया जाए और इसको तुरंत जो है मार्केट में लाया जाए, हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाए, राज्यों को दिया जाए ताकि वो जो है लोगों को दे सके और लोगों की जान बचाई जा सके। ये मीटिंग का मकसद ही है कि हमारे पास जो समस्या है उस समस्या को समाप्त करने के लिए आखिर हमारे पास क्या उपाय है। अगर किसी डॉक्टर के पास कोई आइडियाज हैं तो वो बताएं, या फिर जो उनके जो समस्या है उनको सामने रखा जाए और इसको सामने रखने के बाद जो है केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी में रहेगी। जी बिल्कुल, अमर इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर जो कवायदे हैं वो जारी है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो वैक्सीन की कमी है उसको दूर किया जाए, और प्रमुख फार्मा कंपनियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रमुख डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री की, कैसे इस चेन को तोड़ने की कोशिश होगी, क्या कोई उपाय है, क्या कुछ उपाय अपनाया जाए, क्या कुछ तरीका अपनाया जाए जिससे इस चेन को ब्रेक किया जा सके, इस पर ये बड़ी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री विभिन्न डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब से थोड़ी ही देर में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी और जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कमी देश भर में कई जगहों पर कई राज्यों से आ रही थी,